हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड फर्स्ट 100 कस्टमर फॉर योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में है या अभी स्टार्ट किया है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस के लिए 100 कस्टमर को फाइंड करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हीं से आपको पता चलता है कि आपके कस्टमर को किस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हो, किस तरीके का कस्टमर से फीडबैक आ रहा है, वो कस्टमर आपकी कंपनी को रेफर करेंगे नहीं करेंगे, कैसे रिव्यूज देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट कस्टमर को फाइंड करना और उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। इसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट कस्टमर, 100 कस्टमर, फर्स्ट 100 कस्टमर फॉर योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। ये मेरा यूट्यूब चैनल आपको ऑलरेडी पता है, यहां पे आप ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड बाकी वीडियोस देख सकते हैं। यहां पे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना अपकमिंग वीडियोस के लिए। और आपको जैसे पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे टूर पैकेजेस, हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज हमें क्रिएट करने होते हैं, उनकी मार्केटिंग हम करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, उनको कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट 100 कस्टमर को कैसे आपको लेके आना है, तो उसके लिए आपको क्वालिटी ट्रैवल लीड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। क्वालिटी ट्रैवल लीड्स की रिक्वायरमेंट मैंने सबसे पहले तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी कि किस तरीके से आप क्वालिटी ट्रैवल लीड्स जनरेट कर सकते हैं, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा नंबर ऑफ लीड्स के बारे में, नंबर ऑफ लीड्स कि आपको कितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कि 100 जो आपके फर्स्ट कस्टमर है उनको अचीव करने के लिए, कि उनको अपनी कंपनी में किस तरीके से आप फर्स्ट 100 कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो नंबर ऑफ लीड्स में देखो, अभी बहुत क्या होता है कि कुछ ऐसा ग्रुप ही आपको मिल जाए कि हमारा 100 पैक्स का कॉर्पोरेट ग्रुप टूर है या 100 पैक्स का हमारा स्कूल कॉलेज ग्रुप टूर है, तो आपको एक लीड ही चाहिए वो जिससे आपको फर्स्ट 100 कस्टमर मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, अभी हमारा 70 पैक्स कॉर्पोरेट ग्रुप टूर था जो पूरी उड़ीसा हमने एक्सप्लोर किया था। ये वीडियो भी आप देखना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि किस तरीके से हम 70 पैक्स को पूरी पटना से, ये ग्रुप आया था कॉर्पोरेट ग्रुप पटना से ये आए थे, हम यहाँ से दिल्ली से गए थे भुवनेश्वर, उसके बाद कम्प्लीटली हमने पूरी को एक्सप्लोर किया, भुवनेश्वर एक्सप्लोर किया, सभी कस्टमर सेटिस्फाई थे, सभी कस्टमर को हमने गिफ्ट दिए। उसके बाद इनके पास गिफ्ट पे हमारा वही होता है, कंपनी का लोगो होता है, वेबसाइट होती है, मोबाइल नंबर होता है। कभी भी इनको, अगर इनका कोई भी आगे से कॉर्पोरेट ग्रुप टूर हुआ इस कंपनी का, तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, या इनके अदर देन इनको पर्सनल भी अगर कहीं जाना है फैमिली के साथ तो भी हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, तो क्योंकि इन्होंने सर्विसेज हमारी देख ली। तो अभी ये क्या होता है कि जो फर्स्ट आपके 100 कस्टमर हो जाते हैं, अब उनको आप अच्छी सर्विसेज देते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं छोटा, जैसे भी जो आपको सही लगे, कंपनी का लोगो उस पे होता है, कंपनी का मोबाइल वेबसाइट होती है, तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी जो कस्टमर होते हैं वो कंपनी को रिमेम्बर याद रखते हैं, दोबारा से कहीं पे भी जाना है तो वो कॉन्टेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक लीड से ही देखो 70 पैक्स ये आ गए। अब ये लीड कैसे आई ये आप देख सकते हैं कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले की जो वीडियोस है, वो कोई ग्रुप के साथ जा रहा हूं, इससे पहले हमारा 250 पैक्स का कॉलेज ग्रुप था, जो नोएडा का जो कॉलेज है वहां पे वो हमने कम्प्लीटली हैंडल किया था 250 पैक्स। तो इन वीडियोस को देखते हैं, इन वीडियो से फिर इंक्वायरीज आती है, लोग देखते हैं, इंक्वायरीज यहां से आती है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि अगर ग्रुप के केस में, अगर आप ग्रुप टूर्स में डील करना शुरू कर दो, तो वहां से क्या होता है कि एक लीड ही क्या पता आपको 100 कस्टमर आपको मिल जाए एक ही लीड से। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास जैसे अब हनीमून कपल्स में किट लीड्स आ रही है, तो उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल आपको ज्यादा लीड्स चाहिए, 50 लीड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, 50 जो है आपको वेरीफाइड लीड्स की, वेरीफाइड मतलब जो कन्वर्ट हो गई है उन लीड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास फैमिली आ रही है, तो उसमें किसी फैमिली में 4 लोग है, किसी में 5 लोग है, किसी में 6 लोग है, कई बार जैसे महाराष्ट्र गुजरात से मैं बात करता हूँ तो फैमिलीज कुछ 2-3 फैमिलीज मिलके आ जाती है, तो कई बार मैं देखता हूँ कि एक ही इंक्वायरी से हमें 20 कस्टमर मिल रहे हैं। एक हमने कस्टमर के लिए गूगल एड रन की हुई थी, वो गुजरात से सूरत से उन्होंने इंक्वायरी की, वो 25 लोगों का एक ही कंपनी से आ गए, वो 25 लोगों का ग्रुप था। तो इस तरीके से डिपेंड करता है, कभी आपको एक लीड से ही 100 कस्टमर मिल जाएंगे, कभी आपको 2 लीड से कस्टमर मिल जाएंगे, कभी आपका एक लीड से ही, अभी जो हमारा मनाली ग्रुप गया था वो 250 पैक्स कॉलेज ट्रिप था, तो एक ही लीड से 250 आपको कस्टमर मिल रहे हैं।
अभी हर कस्टमर को आप अपनी कंपनी से गिफ्ट दे रहे हैं, उनको भी याद रहेगा कि आने वाले टाइम में कभी भी जाना है तो आपकी कंपनी को कॉन्टेक्ट करना है। या कुछ ऐसी लीड्स हो जाती है कि भाई कपल वाली है तो आपको ज्यादा लीड्स की रिक्वायरमेंट है, फैमिली है तो क्या पता भाई आपको 10 लीड से, 15 लीड से, 20 लीड से आपको 100 कस्टमर मिल जाए। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रहना चाहिए कि नंबर ऑफ लीड्स का भी एक आपको माइंड में रहे कि आपको कितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट है। और क्वालिटी ट्रैवल लीड्स तो देखो आपको चाहिए ही, कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना होगा कि आपके ब्रांड को देख के आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्लीट मार्केटिंग का फिर पार्ट रह जाता है। कि जैसे आपने टूर पैकेजेस क्रिएट कर लिए, आपकी सेल्स आप खुद कर रहे हो या आपकी टीम है, ऑपरेशन आप डीएमसीज आपके मैनेज कर रही है, जिन डीएमसी से आप कनेक्टेड हो या डायरेक्टली आप कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है, जिसमें हम बहुत सारे वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो मार्केटिंग का अब सारा पार्ट आ जाता है कि मार्केटिंग हम किस तरीके से करें कि हमारे पास से लीड्स आए, क्वालिटी की लीड्स आए, कन्वर्ट हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होगी, अपनी कंपनी की वेबसाइट आप क्रिएट करवाओ, वहां पे जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए अगर आपके पास लीड्स आ भी रही है तो आपके पास उन डेस्टिनेशन के पैकेजेस अच्छे होने चाहिए, जहां पे आपका अच्छा होल्ड है उन्हीं पैकेजेस को वेबसाइट पे डिस्प्ले करना, उन्हीं की आपको मार्केटिंग करनी है, एड रन करनी है। ऐसा ना हो कि ऐसे डेस्टिनेशन को आप प्रमोट कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या आप अपने सोशल मीडिया चैनल से, जिनके पास आपके पास अच्छे रेट्स नहीं है, क्योंकि हर डेस्टिनेशन में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर आपके रेट हाई होंगे या सर्विसेज अच्छी नहीं होगी तो आप लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी अच्छी लीड्स आपको मिल जाए। तो वेबसाइट पे जितने भी आपको जो भी डेस्टिनेशंस आप अपलोड कर रहे हो, पैकेजेस डिस्प्ले कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक अच्छे खासे उस डेस्टिनेशन पे आपका होल्ड होना चाहिए कि आपके पास अच्छे रेट्स हैं, ट्रस्टेड आपके सप्लायर हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट। उसके बाद गूगल माई बिजनेस पेज आपको क्रिएट करना, लोकली आपको रैंक करना है। कोई भी सर्च कर रहा है ट्रैवल एजेंसी इन दिस पर्टिकुलर एरिया या ट्रैवल एजेंसी नियर मी, या कोई रिव्यूज देखने के लिए आया है, तो वहां पे कुछ रिव्यूज आपके होंगे, वहां पे आपका किसी को मोबाइल नंबर देखना है, प्रॉपर एड्रेस देखना है, वेबसाइट पे जाना है, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है लोकली। इसके बाद सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। आपने पैकेजेस आपके क्रिएट कर लिए, गूगल माई बिजनेस पेज आपने बना लिया, वेबसाइट आपने बना लिया, अब सोशल मीडिया पे आप देखो जो इन्फॉर्मेशन है, अब कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सोशल मीडिया पे, गूगल पे वो जाते हैं, सर्च करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को देख रहे हैं कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमें भी वहां जाना है, या YouTube पे सर्च कर रहे हैं, YouTube पे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो आपको भी डिजिटली ग्रो करने के लिए, डिजिटली आपको लीड्स वो करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा तो लेना ही होगा। यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपने फेसबुक आपको पेज बनाना है, इंस्टाग्राम का आपको पेज बनाना है, यूट्यूब पे चैनल बनाना है, डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग जिस डेस्टिनेशन के पैकेजेस में आप डील करते हैं, प्लेसेस टू विजिट इन फॉर एग्जांपल मनाली, प्लेसेस टू विजिट इन शिमला, थिंग्स टू डू इन मनाली, होटल्स इन मनाली, होमस्टेज इन मनाली, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन गोवा, ठीक है, स्कूबा डाइविंग इन अंडमान, या कब जाए वहां पे, कौन कौन सी लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां पे होटल कौन से, खाना कैसा है, क्या बजट रहता है, आइटनरी के अकॉर्डिंग आप अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर सकते हैं। तो यहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। या एग्जैक्ट लोकेशन, अब लोकेशन के बारे में आपको दिखाना है कि भाई देखो अगर गोवा में हमारे कस्टमर है, या गोवा के बारे में आपको बताना है कि देखो ये चीजें है, ये हमारा आपका होटल है, ये होमस्टे है, ये यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, तो ये जब आप शेयर करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला। तो सोशल मीडिया पे तो आपको एक्टिव रहना ही है कंटेंट को लेके, कंटेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे आप क्या शेयर करोगे, डेस्टिनेशन से रिलेटेड कंटेंट ही तो शेयर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली सर्च कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप पे आपको देखो एक साल पहले टॉप 25 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, ठीक है, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, कुल्लू मनाली, 2 महीने पहले ही ये वीडियो आई है, ये आप एक साल पहले की वीडियो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन है। तो ये इस तरीके से लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं,
इन इन डेस्टिनेशंस के बारे में, तो कंटेंट क्रिएट करना, फिर उसको शेयर करना। तो इस तरीके से आपको कंटेंट क्रिएट करना है। आप क्रिएट कर रहे हैं, अब मेरे कुछ एजेंट है जो अपने ऑफिस में ही छोटा सा सेटअप करके वहां पे अपना टेबल चेयर पे अपना मोबाइल से ही ट्राइपॉड लेके माइक लेके छोटे छोटे पैकेजेस, जैसे वो निकाल रहे कि आपका मनाली का 3 नाइट 4 पैकेज में इसमें क्या क्या रहेगा, मोलदीव्स का अगर कोई पैकेज है, मोलदीव्स का है या आपका लक्षद्वीप का है या श्रीलंका का है, केरला, गोवा, अंडमान, थाईलैंड, दुबई, इस तरह के पैकेजेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सी लोकेशन है, क्या पैकेजेस रहता है, वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, उनकी टीम अगर क्रिएट कर रही है या किसी को हायर कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूट्यूब मार्केटिंग हमने जैसे डिस्कस किया कि यूट्यूब पे अगर आपका प्रॉपर चैनल है कि आप जिन जिन पैकेजेस में डील कर रहे हो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जहां पे आप ग्रुप जा रहा है उसके उसकी आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, उन वीडियोस को लोग देखेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आपकी रीच बढ़ रही है, लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, आपके पास लीड्स आ रही है, आपके आप उन लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हो। होटल्स के बारे में जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे अलाया रिजोर्ट जिम कॉर्बेट, अब यहाँ पे मैं गया था तो ये इसकी वीडियो मैंने क्रिएट की थी, तो यहाँ की इसकी भी इंक्वायरीज आना शुरू हो रखी है, यहाँ से भी इंक्वायरीज आती है, इसको कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं कि किसी को भी यहाँ पे जाना है, या ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ। तो आप भी इस तरीके से वीडियोस यूट्यूब पे क्रिएट करना, यूट्यूब पे फिर इन पे एड भी आप रन कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो ये इंक्वायरीज भी यहाँ से मिली थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इस चीज में। एक वीडियो से क्या पता कौन सी वीडियो देख के आपके पास कौन इंक्वायरी कर दे, तो ये नहीं पता होता। तो आप YouTube पे भी इंफॉर्मेशन स्टार्ट शेयर करना शुरू करो। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट हमने क्रिएट कर लिया, कंटेंट की मार्केटिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, Facebook पे हम शेयर कर रहे हैं, Instagram पे शेयर कर रहे हैं, YouTube पे शेयर कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग के रूप में हम शेयर कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली है, जैसे थिंग्स टू डू इन गोवा है, तो ये कंटेंट हम शेयर करें। देखो डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, कंटेंट ही तो चल रहा है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो आप डेस्टिनेशन से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, गूगल पे कोई सर्च कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट ही तो है, ये कंटेंट से लोगों को आपकी कंपनी के बारे में, अच्छा ये कंपनी इस तरीके से कर रही है वो पता चलता है, तो आप से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से आपको अच्छी खासी लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये तो कुछ हो गए कि ऑर्गेनिक मेथड हो गई, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को बता रहे हो, गूगल माई बिजनेस पेज, वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया पे आप कर रहे हो, शेयर कर रहे हो कंटेंट। इसके बाद आ जाता है कि आप आपके पास अगर बजट है कि डे वन से ही आपको लगता है कि आपको डे वन से ही लीड्स की रिक्वायरमेंट है अच्छी, तो आप गूगल एड्स के साथ जा सकते हो। गूगल एड्स में कुछ भी आप जैसे सर्च कर रहे हो, जैसे अंडमान टूर पैकेज, कोई भी कस्टमर है उसे उसे जाना है अंडमान, जाना है अंडमान टूर पैकेज अंडमान जाना है, जैसे अंडमान एंड निकोबार, तो टॉप पे आपको ऐड देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे जैसे शो नहीं हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है स्पॉन्सर्ड, तो इस तरीके की पेज वन पे ही आप ऐड रन कर सकते हो। देखो ये ऐड हो गई, ये हो गई, इस तरीके से हो गई, टॉप पे भी होती है, बॉटम पे भी होती है, तो इन पे लोग आते हैं, सर्च करते हैं, अगर मैं यहाँ पे सर्च करते हैं तो इन वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉल अस कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो इस पे पैकेज स्टार्ट फ्रॉम दिस, कितने कस्टमर है, हैप्पी कस्टमर, तो इस तरीके से आप अपनी एड रन कर सकते हो। और यहाँ पे आप कीवर्ड भी देखेंगे तो अंडमान टूर पैकेज 33,000 से ज्यादा, अंडमान टूर पैकेजेस, ठीक है, अंडमान टूर पैकेजेस फ्रॉम बेंगलोर, मुंबई, कोस्ट फ्रॉम दिल्ली, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम पुणे, तो उसके अकॉर्डिंग आप एड रन कर सकते हैं। हमारे भी कुछ कस्टमर है जिनके गूगल एड रन कर रखी है, उनकी कभी गोवा की एड चल रही है, केरला की चल रही है, हिमाचल, उत्तराखंड की, नॉर्थ ईस्ट की, उनका डेली का जो बजट रहता है 1,000, 2,000, 3,000, उसके अकॉर्डिंग एड रन होती है, उनको लीड्स मिलती है, तो गूगल एड के साथ आप जा सकते हैं। मेटा एड जैसे हमने डिस्कस किया कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप ऐड भी रन कर सकते हैं कि किसी भी डेस्टिनेशन में आपके टूर पैकेजेस में डील करते हैं, वहां पे आपने ऐड रन की, वहां पे टारगेट किया प्रॉपरली कि किस डेस्टिनेशन में आपकी ऐड रन होनी चाहिए, किन किन लोगों को आपको ऐड दिखनी चाहिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, तो ये कंप्लीटली हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये था इस वीडियो के बारे में, जिनकी हेल्प से आप अपने फर्स्ट 100 कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, उनको सर्विसेज दे, उनको अच्छे गिफ्ट आप दे सकते हैं, उन पे आपका कंपनी का लोगो रहेगा। जैसे गिफ्ट में क्या क्या हो सकता है कि जैसे आपका कोई जैसे टी शर्ट हो गई या कोई मग हो गया या इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि गिफ्ट आइडियाज, ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा के उनको देंगे,
तो वहां से भी आपकी कंपनी को याद रखेंगे, कभी भी दोबारा से ट्रिप पे जाना है तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये था इसके बारे में, जिनसे आप अपने फर्स्ट 100 कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको कमेंट करना है, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, Instagram पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि देखो कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ पे ग्रुप पे हम उड़ीसा गए थे ग्रुप के साथ, तो जैसे ही मैं गया था एयरपोर्ट पे, अब हम जा रहे हैं, अब हमारा ग्रुप आ गया, अब हम यहाँ पे पुरी में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब हम इस बीच पे है, तो वहां पे मैं इंस्टेंटली आपको लाइक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। स्टेटस अपलोड कर रहा हूँ मैं, अपडेट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आने में टाइम लगता है, जब मैं वहां से आ गया उसके बाद एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अदर देन जैसे किसी भी इवेंट में जा रहा हूँ तो वहां पे इवेंट में उसी टाइम जैसे स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई अगर किसी को मिलना हो तो इस तरीके से हम मतलब इवेंट्स में मिल भी सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।